सर मई के महीने में 5 तारीख को हमारा नीट एग्ज़ाम है और इस बार मुझे MBBS में एडमिशन लेना ही लेना है, लेकिन सर अब इस समय हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है और जो हमने पढ़ाई की थी वह अब हम भूलने लगे हैं। बहुत डर लग रहा है, जब भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, किसी मॉक टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर हमारा स्कोर भी बहुत कम आ रहा है। हम 250, 350 या 400 नंबर ही स्कोर कर पा रहे हैं, जबकि हमने अपने पूरे सिलेबस को एक नहीं दो बार पढ़ा है। पिछले 2 से 3 दिनों में 20 से अधिक बच्चों ने मुझे फ़ोन कॉल किया और सबका लगभग सेम सवाल है। कोई डिमोटिवेट हो रहा है तो किसी के मॉक टेस्ट के स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं। बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट करें कि सर प्लीज़ आप हमें गाइड करें। जिन बच्चों के पास मेरा नंबर है तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया, बट जिनके पास नहीं है मैं आपको अपना नंबर दे दूं, 888-777-3510, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप नीट एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी मुझसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि जब एग्ज़ाम पास आए और आपको डर लगे, आपका पढ़ने मन ना लगे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। मैं आप अब ऐसे बच्चों को मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा कि विद्यार्थियों के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा या छोटा नहीं होता है, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं है। बेशक अभी आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको रुकना नहीं है। इस दुनिया में बेस्ट मोटिवेटर है आपके माँ बाप। आप सोचिए कि 15 दिन बचे हैं, अगर इन 15 दिनों में आपने हार मान लिया तो आपके माँ बाप का क्या होगा। कुछ आप यूं समझिए कि आप एक रास्ते से जा रहे हो और उस रास्ते में आपकी माँ आपके साथ में है और सामने से एक आदमी आ जाए नाइफ चक्कू लेकर और वो आपकी मम्मी को मारने का प्रयास करे, आप क्या करोगे। आप उससे तब तक लड़ोगे जब तक या तो आपको वो मार दे या फिर आप उसको मार दो, क्योंकि वहाँ पर आपको अपनी मम्मी को सेव करना है। सेम आपके साथ नीट एग्ज़ाम में है, मई के महीने में 5 तारीख को नीट एग्ज़ाम है। आप सबसे पहले छोड़ दो कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट की चिंता छोड़ के आपने जो प्रीवियस टाइम में पढ़ाई की है आपको उससे जुड़े हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले अभी आप मान लिया मिड में हैं, आप 10 दिन तक सॉल्व पेपर सॉल्व करिए, 25th of April तक आप 10 सेट सॉल्व कर लेंगे, फिर 25th of April से लेकर 30th of April तक आप अनसॉल्व सॉल्व करिए और बचे हुए 4 दिनों में सिर्फ रिविज़न करिए। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व कर लेता हूं, उनको मत पढ़िए। जिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं उनको पढ़िए, यही एक रास्ता है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इस दुनिया में डिमोटिवेट हर एक बच्चा होता है, सभी डरते हैं, लेकिन डर के आगे ही जीत है यार, ठीक है ना। अगर आप हार मान लोगे तो फिर आप हार जाओगे, और आप ठान लोगे कि आपको इस बार सिलेक्शन देना ही देना है तो आप सिलेक्शन दे दोगे। मॉक टेस्ट के स्कोर जो अभी 300 नंबर 350 नंबर हैं उन पे एक दिन आप एनालाइज करो खुद से कि क्यों आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं वो किन टॉपिक्स से हैं। जिस दिन आपने अपनी गलती को सीख लिया, अपनी गलती को दोहराना बंद कर दिया, उस दिन आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है। और आप नहीं, आपसे पहले लाखों ऐसे बच्चे हैं जो हर साल डरते हैं और लाखों ऐसे बच्चे हैं जो उस डर पे अपना कब्जा करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। मैं ऐसे कई सारे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने लास्ट के 15 से 20 दिन में अच्छे से पढ़ाई कर 640 तक के स्कोर को अचीव किया है। और मैं चाहता हूं कि अगली बारी आपकी हो। अभी इस वीडियो को देखने के बाद 10 मिनट तक आराम से बैठें, शीशे के सामने खुद से पूछें कि आप पे क्या कमी है, क्यों आप डर रहे हो, और अगर आपको आपके डर का कॉज पता चल गया तो सिलेक्शन आपका होने से कोई रोक नहीं सकता है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जिन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं उनको एक बार फिर से पढ़ लें। अभी आपके पास लगभग 17 से 18 दिनों का बहुत क्लियर टाइम है और अभी आप पढ़ लेंगे तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आप परफेक्ट बन के जाएंगे, ठीक है। तो डरिए नहीं, जो होगा देखा जाएगा यार, एग्जाम ही है। एग्जाम इसलिए लिया जाता है ताकि हम अपना बेस्ट दे पाए। आपको अपना बेस्ट देना है बिना डरे हुए। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो सब समय पे छोड़ देंगे।
आपको आपका बेस्ट वर्जन बनना है। जिस दिन आपने अपना बेस्ट रूप पा लिया ना, हनुमान जी के पास बहुत पावर थी, सिर्फ उनको याद नहीं था। तो अपनी पावर को याद करिए, एग्जाम बहुत आसान होता है और 100% आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे जो मॉक टेस्ट में आप स्कोर कमाते हैं, कई बार बहुत से मॉक टेस्ट सीरीज जो देते हैं टीचर्स, वो बहुत टफ देते हैं ताकि आप डरो और उनकी पढ़ाई गई जो टेस्ट सीरीज उसको ज्वाइन करो, तो ये भी बहुत कॉज होता है। अपने पे विश्वास करो, अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेक्शन आपका ही होगा। इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।